अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाता हूँ। एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से हमारी कोई वीडियो नहीं आई। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते थे कि फसी भाई और मेरी टीम से पूछते रहते थे कि कोई आप लोगों की वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो बनाएं। तो हम अपने काम में ज़रा बिज़ी थे। कुछ हमारा अपना जो हमारे वीज़ाज हैं उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो हम एक फाइनली कॉन्ट्रैक्ट्स हम तकरीबन डेली कहीं ना कहीं जाते रहे तो किसी न किसी को मिल लेते थे और बातचीत हो जाती थी। लेकिन फाइनली हमें एक ऑथेंटिक एक और कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। इनिशियली हमें 20 बंदे वहाँ पे देने 20 बंदे देने वहाँ पे, और उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स आप बड़े गौर से नोट डाउन करें, ठीक है, कि किस किस तरह से हम उनको सिक्योरिटी के लिए उनको बंदे हम दे सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रैक किया एक सिक्योरिटी का, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ये। और कंपनी ने कहा, क्योंकि हमने कंपनी के साथ अपने लेटर हेड पे उनको कुछ चीज़ें लिख के दे दी और कंपनी के लेटर हेड पे हमें डिमांड मिल गई, तो कंपनी ने कहा कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लेके, हमारे पास अगर कोई डायरेक्ट आता है और वॉक इन करते हैं तो हम उसको एंटरटेन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपके साथ एक चीज़ साइन कर लिया। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स हमने देने हैं, यहाँ पे मेंशन है 20, ठीक है, 20 सिक्योरिटी गार्ड्स हमने देने। तो उन्होंने कहा वो आपके थ्रू ही आएंगे और आप उनको ही लेके आओगे तो ही हम एंटरटेन करेंगे। अच्छा, करना कैसे और फिर सर्विस वगैरह मैं बाद में बताता हूँ। हमें 5-5 के सेट में बंदे लेके जाने जो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट पे हों और उनके पास 45 डेज का टाइम होना चाहिए। हम उनको लेके जाएंगे, उनकी सीवी लेके जाएंगे, वो उनको इंटरव्यू करेंगे। अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो बाकी प्रोसीजर उनका स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो ऑफर लेटर देंगे उसी टाइम जब वो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, और उसके बाद ऑफर लेटर के बाद उनका MOL लेटर बाद में देंगे 15 डेज के बाद, और उसके बाद उनको ई वीज़ा दिया जाएगा, बट बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू सेलेक्शन। तो अगर आप वीडियो देखते हैं आज या किसी भी टाइम कल देखते हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना CV, ऐसा ही है, सबसे पहले अपना CV हमें फॉरवर्ड करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको हमें डॉक्यूमेंट्स भी फॉरवर्ड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें और चाहिए होंगी जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये है कि हाइट आपकी होनी चाहिए 5.6, ठीक है, और एज आपकी होनी चाहिए 22 ईयर्स से 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, और आप मैट्रिक पास हों। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अगर आपका सिरा DPS PSBD अगर आपका क्लियर है या नहीं क्लियर, डायरेक्ट उन्होंने आपको 2100 सैलरी ऑफर करनी है, ठीक है। जब ऑफर लेटर आपको देंगे उसमें ये चीज़ मेंशन होगी और ये आपको ऑफर करेंगे। आपको 3 अटैम्प्ट देंगे वो अपने ही खर्चे पे। अगर आप 3 अटैम्प्ट में अपना सिरा DPS या PSBD जो भी उसको कहते हैं, ठीक है, दुबई का ही है तो DPS ही है, अगर वो आप क्लियर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर करते तो उसके बाद जो भी अटैम्प्ट होंगे नेक्स्ट 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट, ठीक है, तो वो आपका खर्च होगा। और अगर आप इनकेस समझते हैं कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आइडियली जो मैट्रिक पास होता है वो ये क्लियर कर लेता है। इन सम केसेस कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हमारी तरह के, तो वो नहीं क्लियर कर पाते या वो कोलैप्स कर जाते हैं मेंटली कि हम नहीं कर पाते, तो वो इसे विड्रॉ करते हैं। उसके ये नहीं होगा कि लेट सपोज वो सिक्योरिटी से या जो उन्होंने कुछ वीज़ा के सर्विस चार्जेस दिए हुए वो उनके ज़ाया हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनके पास और कैटेगरी है जो कि है वॉचमैन, वहां पे वो उनको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वॉचमैन में उनकी सैलरी होगी 1500 दिरहम। अच्छा, अब कुछ लोग जो मैट्रिक फेल होते हैं या जिनकी मैट्रिक एजुकेशन नहीं होती वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊं कि आप लोगों का जो जो वीज़ा है आप लोगों का वो सिक्योरिटी गार्ड का होगा, लेकिन आपकी ड्यूटी वॉचमैन की ही होगी, ठीक है। और गर्ल्स भी फीमेल्स भी, जो ये एज हमने बताई हुई 22 से 33 ईयर्स तक, अगर गर्ल्स फीमेल्स भी इंटरेस्टेड हैं तो ये कंपनी एंटरटेन करती है। इनको लेडी वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप ये समझते हैं कि आपको लेट सपोज आपकी मैट्रिक पास है लेकिन आप सिक्योरिटी गार्ड में फिट नहीं बैठते, आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक नहीं, तो आप डायरेक्ट वॉचमैन की उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूटी आवर्स 10 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, डेली आपको लेट सपोज 10 आवर्स ड्यूटी करनी है वॉचमैन में भी और सिक्योरिटी गार्ड में भी, और मंथली आपकी 2 दिन की छुट्टी है। एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल कंपनी का है, फूड आपका अपना होगा जितना भी आप फूड खाते हैं, और शेयरिंग में मैक्सिमम जब आप खाते हैं यहाँ पे UAE में, ठीक है, तो क्योंकि कंपनी की एकोमोडेशन होती है तो जो स्टाफ होता है वो मेनली शेयर करता है,
भले किसी भी कंट्री नेशनलिटी से होते हैं, लेकिन वो मेनली शेयर करते हैं। तो आपका आइडियली खर्चा आ जाता है 160 to 200 dirham पर मंथ आपका फूड का खर्चा आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, एक और पॉइंट, जब आप हमारे साथ लेट सपोज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपकी जॉब होती है, तो आप लोगों को कंपनी के साथ साथ हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि कंपनी ने ये चीज़ मेंशन की कि अगर आपका बंदा 1 साल से पहले छोड़ के जाता है, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसका मेडिकल हो जाता है, एमरेट्स आईडी आ जाती है, और आफ्टर वन बिफोर 1 ईयर वो छोड़ के जाता है, तो आपको जो उनकी लेबर में सिक्योरिटी 3000 पड़ी होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप आएंगे, जब आप हमारे साथ, क्योंकि हमारे थ्रू ही वो हायर करेंगे और हमारे थ्रू ही आप जाएंगे, हम ही आपको इंटरव्यूज़ के लिए लेके जाएंगे, आप लोगों की CVs और आप लोगों के जो पाँच पाँच का पैच है वो लेके जाएंगे, तो हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि विदाउट एनी लाइक आप फिजिकली कुछ ठीक फील नहीं करें, और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद आपका पता चलता है, डायग्नोस होता है, या कोई और बहुत जेन्युइन रीज़न, उसके बगैर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है या जॉब पसंद नहीं है, और मैं 1 साल से पहले की बात करूँ, और 1 साल से पहले आप छोड़ के जाते हैं, तो आपको 3000 जो बैंक सिक्योरिटी है, लेबर सिक्योरिटी जो होती है, ठीक है, जब आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलता है, तो कंपनी जो कंपनी का वीज़ा आता है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो वहाँ पे देते हैं। तो ये आपको साइन करना होगा, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो अगर हमारा बंदा स्लिप होता है, हम वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे वो 2-3 months काम करता है, इन एनी केस कोई वहाँ पे फाइट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वहाँ पे लड़का सूटेबल नहीं बैठता, तो कंपनी ने हमें कहा कि आपको 3000 लाइक अगर एक बंदा आपका स्लिप होता है, तो आपको 3000 बिफोर 1 ईयर अगर आपके कैंडिडेट स्लिप होते, तो आपको 3000 पर केस हमें देना होगा। तो जो बंदे वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनका अगर कोई लिंक में है, कोई कॉन्टैक्ट्स में है, कोई भाई है, कोई कज़न है जो यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है, 45 days का उसके पास विजिट वीज़ा पे टाइम होना चाहिए, तो हम उनका इंटरव्यूज़ करा सकते हैं कंपनी में ले जाके। मैं कंपनी का जो डिमांड है, जो हमारे साथ उन्होंने साइन किया है, 20 बंदे हमने देने हैं, ठीक है, इनिशियली 20 जब हम कंप्लीट करेंगे, जब हमारी सक्सेसफुल ये कंप्लीशन हो जाएगी उनकी उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट की, जो उन्होंने 20 बंदे हमें दिए हैं, और हम अगर पॉजिटिव एनर्जेटिक और लाइक यंग और ठीक बंदे हम उनको देते हैं, तो वो हमारे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का होगा, जो यानी कि हम इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ्रीका से, किसी भी कंट्री से हम उनके लिए फिर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के, ठीक है, उन नंबर्स पे काइंडली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपने CV भेजनी हमें, ठीक है, और CV बेस पे ही आपकी आगे इंटरव्यू की डेट अरेंज होगी। CV से यानी कि ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट भेज दें और या पैसे भेज दें और डायरेक्ट आपका काम स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और ये कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कि 10 से 12 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है, आइडियली उन्होंने हमें कहा कि हम लिख के 12 घंटे देते हैं, लेकिन यूजुअली क्यों भाई मैक्सिमम आप 12 घंटे का बोल दो, कि इन केस अगर आप 12 घंटे किसी से काम कराते हो, तो लड़का लड़की बाद में ना के नहीं, हमारे साथ 10 घंटे की बात हुई थी, लेकिन वो कहते हैं यूजुअली 10 घंटे की बात होती है, की ही ड्यूटी होती है, और वीकली मंथली मंथली दो दिन की छुट्टी होगी, ठीक है, तो और एकोमोडेशन में आपने रहना है, स्टाफ की एकोमोडेशन होती है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 8 से 10 बंदे डिपेंडिंग अपॉन रूम साइज़ के, रूम कितना बड़ा या कितना छोटा है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने अब कंपनी के एकोमोडेशन में रहना है, तो शेयरिंग फूड होता है, आप सेपरेट भी कर सकते हो, वो चीज़ आपके टोटल आपके उस पर डिसीजन पे है, और ये आपने देखना है कि आपने बंकर बेड्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनी की एकोमोडेशन होती है, और आइडियली एक छोटा सा रूम से बड़े हॉल या बड़े रूम तक, ये डिपेंड करता है कितने लोगों की कैपेसिटी, लेकिन आपने लोगों के साथ मिल के रहना होता है, 8, 10, 12, 14, डिपेंड कितनी बड़ी कैपेसिटी एक रूम की, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, और अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन होंगे, उन पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का काम नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज ऑफ XYZ एनी रीज़न, ठीक है, कुछ हमारे एंड पे कभी कभी डिले हो जाता है, कुछ जहाँ से हमने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा होता है या जिनके साथ बात हो रही होती है, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके हमने रिफंड किए हैं, ठीक है, उनके हमने वीडियोस नहीं बनाए, जस्ट एक का कल भी किया है, क्या नाम था उनका, सर वो था इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली, ठीक है, तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, उनका कमेंट एक पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो लोग और ये दिस इज़ यू ही नॉट पाकिस्तान और इंडिया के, आप कुछ भी कर लो और फिर भी बैठे रहो और काम करते रहो, तो इंशाल्लाह हम फर्दर जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करेंगे, कि कल परसों कोई बंदा हमारे साथ स्लिप होता है, तो हम कुछ दिखा सकें कि यार हमारा आपके साथ लीगल एक अंडरस्टैंडिंग और एक सिग्नेचर के साथ काम हुआ हुआ है। एनीवे, स्प्रेड द पॉजिटिविटी, ठीक है, किसी की सुनी सुनाई बात पे फ़ौरन से अपना
रिएक्शन ना दें, आप देखें, जज करें किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अपना दिमाग भी यूज़ करें, ठीक है, और अपना दिमाग सिर्फ अपने तक ही यूज़ करें, जो लोग हमें देख रहे होते हैं उनके साथ शेयर ना करें कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग द गुड थिंग, द गुड वर्क, जैसे मैं अक्सर कहते रहता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई आप लव और पीस की बात करते हो, जबकि आपका काम लव और पीस वाला नहीं है, अगर हमारा काम लव और पीस वाला ना होता तो जो हम रिफंड की बात करते हैं या जिनको रिफंड करते हैं वो ना होता, ठीक है। मार्केट में काफ़ी सारे हमारे भी खुद के पैसे डूबे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को रिफंड कर रहे होते हैं हमारे, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आप लोगों के साथ डायरेक्ट हैं, जिन बंदों को हमने दिए वो लोग हमारे साथ ऐसी बात करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं या हमने नहीं देना, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारे हमारा आपके साथ ये रिलेशनशिप नहीं है कि हम आपके पैसों से या आपके काम से सडनली रिफ्यूज़ कर लें, डिनाई कर दें, देर सवेर हो जाती है, ठीक है। हम बचपन से ही कोई बिजनेसमैन नहीं थे, ना हमारे जी बिजनेस फैमिली से कुछ बिलोंगिंग्स हैं, हम चार चार महीने 5 महीने से काम कर रहे हैं, उसमें हमने खुद बहुत कुछ सीखा, कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स बताएंगे जो हमारे अच्छे या बैड एक्सपीरियंसेस थे, कुछ चीज़ें हम अभी नहीं बता सकते इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट हमने दिखाया, मैं एक दफ़ा फिर से पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें 20 बंदे चाहिए, 45 डेज का आपके पास टाइम होना चाहिए, मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंटरटेन करते हैं ये लोग, CV बेस सिलेक्शन होगी, आपका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू में क्लियर करते हैं, हम लेके जाएंगे आपको, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, जाएंगे तो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे वॉक इन को, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, हम आपको लेके जाएंगे, पाँच पाँच के सेट में आपको लेके जाएंगे, वो आपको पसंद करते हैं, वहाँ पे आपको ऑफर लेटर देंगे, उसके बाद आपका मॉल लेटर आएगा, उसके बाद आपका ई वीज़ा आएगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे तो वो स्टेटस चेंज करके देंगे, अगर आप बीच में इंडिया कहीं भी एग्जिट कर चुके हैं पाकिस्तान तो आपको फिर से आना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि जैसे अभी हमने ये 20 बंदे दे देने, ठीक है, ये तो चलो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो ये जब हम कंप्लीट करेंगे इसके बाद उन्होंने हमें 100 200 बंदों की हमें रिक्वायरमेंट देनी है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास जो टीम है, ठीक है, वो उसके साथ और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा इंडिया और पाकिस्तान से, तो वो समटाइम्स जो ड्यूरिंग टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या डिमांड आपको मिलती है तो आपने वो डिमांड पूरी करके देनी होती है, ये नहीं देखना होता आप कितना कमा रहे हो कितना लॉस है, आपको वो चीज़ पूरी करके देनी होती है अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, कंपनी के साथ नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तो फॉर दैट पर्पज़ और इवन इसी पर्पज़ के लिए भी आप जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, ठीक है, जिन जिनको भी हमारी इस लैंग्वेज की समझ आ रही है और हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो मुझे और मेरे मैनेजर मनु कपूर को कांटेक्ट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सअप का और मनु का व्हाट्सअप का नंबर, ठीक है, वो सेपरेट मेंशन होगा, और एजेंट्स हमें ही कांटेक्ट करें, जो बाकी कैंडिडेट्स या जो बाकी सिंगल जो भी बंदा अपने क्यूरी या अपने भाई की क्यूरी के लिए कांटेक्ट करता है उसके लिए सेपरेट हमारे स्टाफ के नंबर्स मेंशन होंगे। हम काम को अब इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर इसलिए के लेके आना चाह रहे हैं कि हमारे साथ मेरे साथ पहले एक मेरे पार्टनर थे वो काम करते थे, उसने भाई भाई बोल के, मैंने भी उसके साथ कुछ ऐसा लिखत पढ़त नहीं की, ठीक है, जिसके बेस पे अब हमारा थोड़ा सा काम इफेक्ट हुआ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमने उनके साथ किया, उनको बंदे दिए, हमारे बंदे ख़राब हुए, ठीक है, पैसे भी नीचे लग गए, रिफ़ंड हम कर रहे हैं, ठीक है, और उस रिफ़ंड के बेस पे पैसा कहाँ चला गया, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कसूर नहीं, आप हमसे ना पूछें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि व्हाट वी आर पासिंग ऑन थ्रू, ठीक है, या हमारे साथ बैक एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब उसकी बेस पे मनु ने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया हुआ है माशाल्लाह, उसका मैं उसके काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और उसने काफ़ी सारे रिफंड भी किए, इवन एक दो लोग मैंने एक पहले भी हमने वीडियो अपलोड की हुई जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, क्यों आप लोगों को एक्चुअल स्टोरी का नहीं पता होता कि बैक एंड पे क्या चल रहा होता है या बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, आप लोग ये देख रहे होते कि फसी भाई ने डिमांड की बात की, फिर फसी भाई ने थोड़े बहुत पैसे भी लिए, वो पैसे हमने लिए नो डाउट, हम आई शुड से कि हम यूज़ हुए उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, हम यूज़ हुए, हमारे बंदे मेंटली स्ट्रेस में चले गए, हम मेंटली स्ट्रेस में चले गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और हम आगे पकड़ते जाएंगे, जो रिक्वेस्ट है जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पज़ है वो ये है कि और अब हम कोई भी काम करेंगे इस तरह के उस पर करें कि उस बंदे ने लिटरली कहा भाईजान आपके पास क्या सबूत है अगर आप हम मेरे पास आ रहे हो और मैं रिफंड ना करूँ तो वाकई में मेरे पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि भाई और बिरादरी में भाई हाँ आप मेरे भाई हो मैं आपका भाई हूँ, इस बेस पे काम चलता रहा और काम करते रहे, तो हम आपके रिफंड से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे, और अगर आपको रिफंड नहीं चाहिए, आपको हमारी सर्विस चाहिए तो भी देंगे, वो जो बीच में थोड़ा बहुत एक स्लॉट आ गया, ठीक है, कि ये आपको प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई नहीं मिल रहा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम अपने आप अपने सेटअप को थोड़ा सा ठीक कर लें, अपने आप को पैरों पर खड़े कर लें और अपने बंदों को स्ट्रांग कर लें मॉरली और एथिकली, ठीक है,
तो यही बस बात थी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली कि जो पिछले तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते से आई गेस 2 वीक्स है, फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स है, जो रिफंड का थोड़ा सा इशू था, प्लस कुछ लोगों को प्रोवोक किया गया कि दीज पीपल आर फेक। बहुत ही हमारे करीबी लोग जो हमारे साथ पहले वीडियोज़ में आपको नज़र आते थे, ठीक है, हमारे साथ काम करते थे भाई भाई बोल के, जिनके साथ हमने काम किया, ठीक है, उन्होंने ही टांग काटी, गला काटने की कोशिश की, लेकिन बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से हम अभी भी यहाँ पे हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में कि मैंने उनको भी चैलेंज किया कि इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ हम मार्केट में देखेंगे कि किसका काम ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लव और पीस वाले थीम पे हम अभी भी कायम हैं, ठीक है। आप लोग आते हो, आप लोगों को सर्विस चाहिए वो मिलती है, मैं नहीं होता आप लोगों को मेरे बिहाफ पे, मनु जो मेरी कंपनी में, जो अभी हमारी अपनी कंपनी हम माशाल्लाह इस्टेब्लिश हो रही है, उसमें ये जीएम जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बैठते हैं, वो आपको इंटरटेन करते हैं, हाल दो के उसका मनु के साथ कोई लेना देना भी नहीं, वो जो हमने केसेस लिए हुए हैं वो कोई 2 2 3 3 4 4 मंथ्स पुराने हैं, जिनके साथ हम भाई भाई वाला बिजनेस खेल रहे थे, ठीक है। तो एनीवे हमारे दिल में कुछ डाउट नहीं था और हमारे दिल में कुछ बुराई नहीं थी, तभी मैं ये समझता हूँ कि हम अभी भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत हम लास्ट वीक 2 वीक से बहुत स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड से हम गुजरे, ठीक है, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं आ रही, टीम ने यूनाइट किया, इनफैक्ट आई शुड से बिग शाउट आउट टू होल टीम, जिसमें माही आती है, जमाल आता है, वलीद आता है, रियाज आता है, चूचू आता है, अंकुश आता है, ठीक है, और उनको जो लीड करने वाला बंदा है माशाल्लाह, बिग शाउट आउट टू मनु कपूर एज वेल, कि इतने क्रिटिकल और इतने क्रूशल सिचुएशन में जब हर तरफ लिटरली अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और जो जिनके साथ हमने काम स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स 1 2 किए, उन्होंने लाइक जितना उनसे पॉसिबल हो सकता था उन्होंने लेग पुलिंग की, काम में टेंशन डालने की कोशिश की, और वो बहुत ही करीब, जिनको यानी कि आपके बिजनेस के सीक्रेट्स का पता है, आपके करीबी जगहों का पता है। तो एनीवे टीम ने कोलैप्स नहीं किया, मनु कपूर ने कोलैप्स नहीं किया, मनु स्पेशल थैंक्स टू यू एज वेल माय ब्रदर। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह से चलते रहेंगे और इसी तरह से आगे काम करते रहेंगे। मैं ये भी बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मनु और मनु का जो एचआर मैनेजर है उसने क्रैक किया, ठीक है, थैंक्स फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वेल मनु। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार रहेगा मार्केट में। लोगों ने मुझे अभी भी याद है, मैं एक दफ़ा उस बंदे के साथ खड़ा था, मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाह रहा था यार, उसने कहा यार ये पूरी स्क्रिप्ट मैंने पहले से लिखी थी जी कि आपको कैसे ट्रैप करूंगा, कैसे यूज़ करूंगा, जी मैं यूज़ हुआ, मैं ट्रैप हुआ, मेरी लाइक इनोसेंस आप कह दो या कुछ भी कह दो, ठीक है, तो बट स्टिल वी आर इन ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर स्टिल आर ऑन आर फीट, और हमारे साथ अभी भी लोग खड़े हैं इंशाल्लाह, 2 3 बंदे और हमारी टीम में ऐड हो रहे हैं जी इंशाल्लाह, ठीक है, जी तो फर्दर इंशाल्लाह काम ठीक होता जाएगा। आई ओनली रिक्वेस्ट के कोई कमेंट करता है, कोई बात करता है, आप ज़रूर फॉलोअप करें कि क्या उसको उसके पैसे वापस मिले या नहीं मिले, देर सही, लेकिन हमने किसी के पैसे नीचे नहीं रखे, जी ऐसा किसी को भी, अच्छा दूसरे लोग कहते हैं ये लोग पैसे लेके ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो जिस लेवल पे आप तंग करते हो, आपको कोई प्रोवोक करता है और जिस लेवल पे आप तंग करते हो उससे लिटरली हम भी इफेक्ट होते हैं और आपको, क्योंकि हम आगे काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, किसी लोगों की प्लेसमेंट करेंगे तो आपको रिफंड मिलेगा, हम कोई फैक्ट्री तो नहीं खोली हुई या कोई बैंक जी के डकैत तो नहीं है कि हम वहाँ से हम पैसे लेके आ रहे होंगे, हम काम नहीं करेंगे तो आप लोगों का रिफंड कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि जो पैसे आप दे चुके हो, लेट सपोज वो एक जगह पे हमारा ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एनीवे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें, अगर आपको लगता है कि आपके कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में है जो हमने डिमांड शेयर की है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ये मैसेज शेयर करें, आ जाएं, हम आपको लेके जाएंगे, आप सबसे पहले अपनी CV फॉरवर्ड करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।